जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यन ढैया, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI डिफेंस क्लास में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार न्यूज लेके आया हूँ। जो जो कैंडिडेट एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए एक शानदार वैकेंसी आई है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आप 10th पास रहना चाहिए और आपको बिना एग्जाम दिए दोस्तों आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अब वो और वो कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हमारे चैनल पर, दोस्तों आपको ऐसी वैकेंसी रिलेटेड जानकारी बताया जाता है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो आपको वैकेंसी रिलेटेड जानकारी बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों तक शेयर करें। दोस्तों एयरफोर्स में न्यू वैकेंसी आई है, चलिए इसको बताता हूँ दोस्तों इसके बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 है दोस्तों, न्यू भर्ती आई है। तो आपका जो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 19 दिसंबर से हो रहा है यहाँ पर। और दोस्तों एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा वो 5 जनवरी 2023 को रहेगा, याद रखिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा, जो कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट है इसमें 26 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक रहेगा दोस्तों। अब मैं कैसे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे नहीं होगा, इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में और आपको डिटेल्स के साथ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आपका जो एज रहेगा दोस्तों वो 14 से 21 साल के बीच में रहना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, आपका जो एज रहेगा वो 14 से 21 साल के बीच में रहना चाहिए। यदि आपका जो एज अभी 14 साल है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स के साथ जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहां पर जानेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल में। सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं एक बात, अप्रेंटिस में दोस्तों यहां पर आया हुआ है न्यू वैकेंसी। मैकेनिस्ट के लिए 3 पोस्ट है दोस्तों इसमें, और मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दोस्तों 13 पोस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर बात करेंगे सीट मेटर वर्कर के दोस्तों, तो 15 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों हमारा जो अगला पोस्ट है वो वेल्डर गेस्ट इलेक्ट्रिक के लिए है दोस्तों, जिसमें 4 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट के लिए, तो इसमें 33 पोस्ट दिया हुआ है। और कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों। इसमें फिटर मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के लिए 38 पोस्ट दिया गया है। अब बात करेंगे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप सिंपल 10वीं पास रहना चाहिए, आप सिंपल 10वीं पास रहना चाहिए दोस्तों, और आप ITI NCVT वाला रहना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। आपके 10th में 50% रहना चाहिए दोस्तों, मार्क्स आपके 50% रहना चाहिए। ITI NCVT या SCVT दोनों चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर NCVT भी चल जाएगा और SCVT भी चल जाएगा, याद रखिएगा इसमें। अब यहाँ पर बात करेंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको उसमें बहुत सारे जॉब्स के बारे में जानकारी मिलेंगे, बहुत सारे जॉब्स के लिंक मिलेंगे दोस्तों। आप किसी भी जॉब के लिंक को टच करिए दोस्तों, जो करंट में भी जब जॉब निकले रहता है उसका लिंक वहाँ पर रहता है, आप वो वीडियो को भी देख कर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उस जॉब में भी दोस्तों। तो बात करेंगे, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। आप बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन कैसे होगा, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, या फिर दोस्तों इसमें 2 कंडीशन भी बन जाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होते हैं डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है, तो इसमें दोनों चीज़ लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको हमारे चैनल पर आपके स्टेट के
पल पल से निकलने वाले खबर को हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। आपके पल एवरी जॉब्स के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो चैनल पर नए हैं, और जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।